दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐश की केंटो टीम वर्सेस ऐश के फादर की केंटो टीम। तो दोस्तों हमने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने आपको बताया था ऐश के फादर की पूरी टीम 6 पोकेमोन की। दरअसल हमने उसमें 5 पोकेमोन बताए थे और छठा पोकेमोन कमेंट में मैंने पिक किया था, तो वो था एलकेजैम। तो हमें दोस्तों आज की इस वीडियो में उन दोनों टीम्स के बीच में मुकाबला करवाने वाले हैं और देखने वाले हैं कि कौन सी टीम बेस्ट है। तो चलिए इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जहां तक बात रही ऐश की केंटो टीम की, तो वो एक धांसू टीम थी और उसके सबसे बेस्ट पोकेमॉन्स का नाम बताऊं तो वो थे चार्जर्ड पिकाचू, स्नोलेक्स, पिजियोट, स्क्वर्टल, बल्बासोर, मकटोरोस, किंगलर, लैप्रेस और बटरफ्री, ये उसके सारे पोकेमॉन थे। तो दोस्तों इनमें से मैंने कौन से 6 पोकेमॉन पिक किए हैं, तो वो होने वाले हैं बल्बासोर, स्क्वर्टल, पिजियोट, स्नोलेक्स, पिकाचू और चार्जर्ड। और दोस्तों मैंने मकटोरोस, किंगलर, लैप्रेस और बटरफ्री को इसमें नहीं काउंट किया है क्योंकि ये थोड़े थोड़े वीक पड़ गए थे और ये पोकेमोन ने अलग से इस टीम को दर्शाया है, इसलिए इनके ऐश की टीम में मैं इन 6 पोकेमोन को इंक्लूड करूंगा। तो चलिए ऐश के फादर की टीम जान लेते हैं। दोस्तों ऐश के फादर की टीम में जो जो पोकेमोन होने वाले थे उनको मैं पहले ही वीडियो में बता चुका था, तो वो हैं रैपिडैश, ड्रैगनाइट, फियरू, बटरफ्री, वीनोसोर, एलकेजैम। दोस्तों ये मैंने कैसे बताए मैंने बहुत अच्छे से उस वीडियो में बताया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी देख सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ऐश वर्सेस ऐश फादर का मैच शुरू करते हैं। दोस्तों मैच स्टार्ट होता है और जो स्टेडियम है उसमें भीड़ इकट्ठी हो जाती है। उसके बाद ऐश और ऐश के फादर के बीच में बैटल स्टार्ट होती है। तो आपको जैसा कि पता है ओपनिंग में ऐश हमेशा पिकाचू को ही भेजता है, तो ऐश फिर से अपने पिकाचू को रिलीज करता है और उससे पहले ही जो ऐश के फादर थे वो पहले पोकेमॉन फेंक चुके थे जो कि था फियरो। तो ऐश के पिकाचू और फियरो के बीच में मुकाबला होता है। दोस्तों बहुत ही धांसू मुकाबला था और आप सभी को पता है कि इसमें कौन जीतने वाला है, तो पिकाचू इसमें जीत जाता है और फियरो जो है डिफीट हो जाता है। तो उसके बाद ऐश के फादर बटरफ्री को रिलीज करते हैं और पिकाचू क्योंकि बहुत थक चुका था तो वो उसको ऐश उसको वापस बुला लेता है। उसके बाद ऐश रिलीज करता है अपना स्क्वर्टल और आपको एक मैच तो ध्यान ही होगा कि स्क्वर्टल बटरफ्री से हार जाता है। तो बस इसमें क्या था, बटरफ्री अपने स्लीप पाउडर का इस्तेमाल करती है और स्क्वर्टल को सुला देती है, पर पता नहीं क्यों रेफरी कह देता है कि स्क्वर्टल हार चुका है, शायद उसका दिमाग ख़राब था। तो बस स्लीप पाउडर का इस्तेमाल करने से स्क्वर्टल हार जाता है। उसके बाद ऐश अपने पिकाचू को रिलीज करता है और ऐश के जो फादर हैं वो बटरफ्री को वापस बुला लेते हैं और वीनोसोर को भेज देते हैं। उसके बाद क्या होना था, वीनोसोर ऐश के पिकाचू को हरा देता है और वीनोसोर बन जाता है विनर। फिर क्या होना था, ऐश अपने पे दो पोकेमोन को हारने के बाद तीसरे पोकेमोन के तौर पर चार्जर्ड को भेजता है क्योंकि वीनोसोर के खिलाफ वो ताकतवर है। तो ऐश के फादर भी चालाकी दिखाकर वीनोसोर को वापस बुला लेते हैं और भेज देते हैं अपना वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन यानी कि ड्रैगनाइट। और जब आपको पता है चार्जर्ड और ड्रैगनाइट भिड़ते हैं तो क्या धांसू मुकाबला था वो, तो मैंने जब भी इस मुकाबले को मैं बता रहा हूँ तो मेरे सच में रोंगटे खड़े हो रहे हैं क्योंकि ये मुकाबला बहुत ही धांसू हुआ था। चार्जर्ड कभी अपनी तरफ से फायर ब्लास्ट करता, कभी ड्रैगनाइट की तरफ से हाइपर बीम आता, कभी दोनों ड्रैगन रेंज करते, कभी फ्लैंग विंग्ड अटैक और जाने कौन कौन से नए नए टाइप्स के अटैक उन दोनों की तरफ से आते थे। तो लास्ट में धुआं हो जाता है और धुआं छटते ही हमें पता चलती है दोनों ही पोकेमॉन धरती पर गिरे हुए हैं और फिर हमें पता चलती है कि चार्जर्ड जो है वो उठ जाता है और ड्रैगनाइट इस मैच में चार्जर्ड से हार जाता है। और उसके बाद क्या होना था, ड्रैगनाइट हार चुका है तो ऐश के फादर ड्रैगनाइट को वापस बुला के भेज देते हैं अपना बेस्ट पोकेमोन जो कि है रैपिडैश। आपने इस फोटो में देखा ही है वो उसको कितना लाड़ प्यार कर रहे हैं। ऐश भी उसको चार्जर्ड को वापस बुलाता है और सेंड करता है अपना पिजियोट, लेकिन रैपिडैश के फायर ब्लास्ट की वजह से पिजियोट जो है वो हार जाता है। और उसके बाद ऐश सेंड करता है अपना स्नोलेक्स
और आप सभी को तो पता ही है, जब भी स्नोरलैक्स आता है तो कतई जहर तबाही मचा देता है, चारों तरफ से तबाही मच जाती है। रैपिडैस और स्नोरलैक्स के बीच इतना कमाल का मुकाबला होता है कि स्टेडियम भी हिल जाता है और बस होना क्या था, धुआं धुआं हो जाता है चारों तरफ, क्योंकि एक धांसू मुकाबले में ऐसा ही होता है। और हमें पता चलता है स्नोरलैक्स और रैपिडैस दोनों ही हार चुके हैं। उसके बाद ऐश अपने बल्बासौर का इस्तेमाल करता है और ऐश के फादर फिर से अपना वीनोसौर इस्तेमाल करते हैं। आपको तो पता ही है कि क्या होना था, वीनोसौर जो है बल्बासौर से जीत जाता है क्योंकि वो उसका फाइनल स्टेज है। तो ऐश के पास अब सिर्फ चार्जार्ड ही बचा है, तो ये काफ़ी सस्पिशियस और सस्पेंस वाला जो है मोड था। तो ऐश अपने चार्जार्ड को रिलीज़ करता है और आपको तो पता ही है चार्जार्ड फ्लाइंग और फायर टाइप है, वीनोसौर के खिलाफ उसको एडवांटेज है, तो वो उस पर हमला करता है और वीनोसौर हार जाता है। फिर ऐश के फादर रिलीज़ करते हैं अपना बटरफ्री और वो कुछ ज़्यादा देर उसके सामने टिकता नहीं है, बटरफ्री भी हार जाता है। उसके बाद चार्जार्ड वर्सेस ऐश के फादर एलकाज़ैम को भेजते हैं और आपको पता है साइकिक टाइप पोकेमोन कितने ताकतवर होते हैं। तो यहाँ पर इतना कमाल का मुकाबला चलता है, चार्जार्ड कभी उस पर मेगा पंच करता है, एलकाज़ैम कभी डायनेमिक पंच का इस्तेमाल करता है, एलकाज़ैम एजिलिटी का इस्तेमाल करता है, चार्जार्ड विंग अटैक करता है, एलकाज़ैम साइकिक करता है, कंफ्यूजन करता है, और चार्जार्ड जो है यहाँ पे बहुत ही बुरी तरह हारता हुआ दिखाई पड़ता है। पर क्या होना था, चार्जार्ड अपना ड्रैगन रेंज इस्तेमाल करता है और एलकाज़ैम हाइपर बीम इस्तेमाल करता है। उसके बाद जो है धुआं धुआं हो जाता है और दोनों ही पोकेमॉन काफ़ी थक चुके होते हैं। पर ये मैच इतनी जल्दी ख़त्म कहाँ होने वाला था, क्योंकि दोनों ही पोकेमोन काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। ऐश के फादर का एलकाज़ैम को चार्जार्ड पकड़ लेता है अपने हाथों में और ऐश उसको कमांड देता है कि तुम उस पर अपना सेस्मिक टॉस इस्तेमाल करो। तो ऐश का चार्जार्ड उसे हवा में ले जाता है, फिर ऐश उससे कहता है तुम अपना एरियल अटैक इस्तेमाल करो, और चार्जार्ड वैसा ही करता है, उसको हवा में ले जाता है और ऊपर से ही इतनी बुरी तरह से फेंकता है और वो आकर बुरी तरह से धरती पर टकरा जाता है। फिर क्या आता है, यहाँ ऐश का चार्जार्ड जो है वो जीत जाता है और ऐश जो है इस मैच का विनर बन जाता है। फिर रेफरी का अनाउंसमेंट होता है कि ऐश विनर था। तो दोस्तों हमारी वीडियो यहीं पर एंड होती है। दोस्तों वीडियो काफ़ी मज़ेदार थी और मुझे बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में, आप समझ भी नहीं सकते। तो आप चैनल को सब्सक्राइब दीजिए ताकि मैं एक और इसका सेकंड पार्ट लेकर आ जाऊं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।